Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Class 6, today we are going to start our new topic in which we are going to learn four basic grouping symbols. Students, इससे पहले हमने डीमास का रूल, बॉडमास का रूल हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने लर्न किया. बॉडमास का रूल तब हम अप्लाई करते हैं या डीमास का रूल तब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक जैसे ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन एक ही स्टेटमेंट में मौजूद हो. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन विद द एंड ब्रैकेट. जब हमारे पास चार पांच चीजें, चार ऑपरेशंस विद द एंड ब्रैकेट्स इकट्ठा हमारे पास होता है एक क्वेश्चन के अंदर, हमें इसको सॉल्व करना होता है. उसके लिए हमने बॉडमास का रूल सीखा था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आप डिविजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. और इस तरह जो है मतलब हमने ये अपना ये रूल बनाया है. बिल्कुल इसी तरह आज हम आपको इसके साथ साथ फोर ग्रुपिंग सिंबल्स आपको हमें बताने लगे. फोर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आप कह लें, फोर टाइप्स ऑफ सिंबल्स कह लें कि अगर एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट के अंदर ये चार किस्म के आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं इकट्ठे, या दो या नजर आ रहे हैं या तीन नजर आ रहे हैं, जो भी नजर आ रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका ये होगा. सबसे पहले अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये लाइन लगी होगी नंबर्स के ऊपर तो आप इसको सॉल्व करेंगे. इसको आप विनकुलम भी कहते हैं और आप इसको बार भी कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपने फर्स्ट बेस पे आपने इसको जो है रिमूव करना है. ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे उसके अंदर आपने आना है और आपने जो है पैरेंथेसिस जो है ये जो है स्मॉल ब्रैकेट अगर आपको किसी स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है तो सबसे पहले आप उसके विनकलम के बाद आप इसको रिमूव करेंगे. और इसको आप कहते हैं ये जो स्मॉल ये ब्रैकेट है इसको आप पैरेंथेसिस भी कहते हैं और साथ साथ इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी बहुत सारे लोग इसको पुकारते हैं. ठीक है, ये फिर जहां पे ये ब्रैकेट जिसमें हम सेट एंड क्लोज करते हैं उसको हम आपको टीचर ने पहले आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट. आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को इनक्लोज करते हैं. टीचर आज आपको ये बता रही है कर्ली ब्रैकेट को आप कर्ली ब्रैकेट के अलावा ब्रेसिस भी कहते हैं. ठीक है, ब्रेसिस का वर्ड भी कर्ली ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है. आपको याद होगा, थोड़ा सा अपना माइंड को थोड़ा सा खंगाले, जब हमने सेट पढ़े थे तो हमने आपको बताया था सेट को राइट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसके एलिमेंट्स को कॉमा के साथ अलग करें और उसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करें. अगर आप याद रखें या अपनी वीडियो निकाल के देखें, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट जो कि बिल्कुल सीधा है इसको आप ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं. ठीक है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं. ठीक है, अभी तो इस वक्त इस बेस के इस स्टेज में आपको ये डिफरेंट जो है सिंबल्स के नाम बता रही हूँ. नेक्स्ट जो है जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम जब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो फिर हमारे लिए ना और आसानी हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले आपने विनकुलम, फिर पैरेंथेसिस, फिर ब्रेसिस और फिर ब्रैकेट्स. ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है.